आज की मुलाकात है आपकी आपकी बहुत ज्यादा फरमाइश पर आप सबके पसंदीदा अरीब अजहर से। अरीब, आपका बहुत शुक्रिया आपके उस सपोर्ट का जो आपने कैफे काम को दिया। हम सब मिल रहे हैं आपसे मगर डिजिटली, और ईद मना रहे हैं जुलाई के महीने में। पाकिस्तान के लिए एक तारीख साज महीना भी है। बहुत सारे वो फैंस और फॉलोअर्स जो आप की म्यूजिक के गर्विदा तो है ही, मगर साथ साथ आपके इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन और रिफ्लेक्शंस के भी मद्दा हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि अरीब अजहर से जरूर पूछें कि जुलाई में वो पाकिस्तान के हवाले से कैसा महसूस करते हैं। क्यों जरा जुलाई में क्या खास, जुलाई में इसके बजाय कि गर्मी पड़ रही होती है पूरे पाकिस्तान में और बरसात शुरू हो रही। अच्छा नहीं, मुझे पता चला है कि आप जो हैं, मुझे पता है कि उस वक्त आप बहुत छोटे थे, लेकिन जुलाई 1977 के हवाले से, और चूंकि आपका जो बैकग्राउंड है, जब अरीब अजहर का जिक्र होता है, जब मेरी जो असलम अजहर नसरीन अजहर को बिल्कुल नहीं भूल सकते, ये और बात है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं अच्छा ये अरीब अजहर है, नसरीन अजहर इनकी मदर है, तो मेरा जरा रिवर्स लेवल पे आपसे इंट्रोडक्शन होता है। तो आप बताइए, अब तो आप इतना नाम है आपके पास और आपकी अपनी एक फिक्र है, कैसा महसूस करते हैं व्हेन यू लुक बैक 2021? क्या पूछ रही हैं जुलाई के जो 5 जुलाई में जो कूप डिटेक्ट हुआ मुल्क में और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक मिलिट्री ऑपरेशन से हटाया गया और जनरल ज़ियाउल हक की फिर अगले 11 साल के लिए हुकूमत आई, आप शायद उसकी तरफ निशानदेही कर रही हैं। हाँ, मेरा बिल्कुल यही मकसद था, चूंकि जाहिर है मैं वो सावन के महीने के हिसाब से किसी गाने का जिक्र तो कर नहीं सकती थी, और ये भी बात मैं इस तरह नहीं कहना चाह रही थी, तो मैंने कहा अरीब अजहर चूंकि आर्टिस्ट हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं तो वो तरीके से इस बात को आगे ले जाएंगे। जी सही, तो देखिए हकीकत तो ये है कि जाहिर है आपने पहले सवाल में तो जुलाई से मुझे तो गर्मियां याद आई और सावन का महीना भी याद आया और ये ज़ियाउल हक का दौर बाद में याद आया। इसकी वजह यह है कि अब वो का हिस्सा तो बन गया है और अब मेरा नहीं ख्याल कि अब ये जो हम सारी चीजों का जिम्मेदार जो हम उस तारीख को ठहरा देते हैं या उस दौर को ठहरा देते हैं, शायद ये भी हम भागते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। और मेरा ख्याल है कि ये जो जो मसाइल हैं हमारे मुल्क में, हाँ बिल्कुल वो उन 11 साल में बहुत ज्यादा जो जो चीजें आज हम भुगत रहे हैं वो उस चीज का बीज उस वक्त बोया गया था, यानी कि एक तासुब का एक 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 रियासत की तरफ से एक किस्म की इस्लामाइजेशन का, और फिर ये कि अमेरिका के साम्राज्यत के साथ जो है अपना सारा पल्ला इस तरह जोड़ना, अमेरिकन इंपीरियलिज्म के साथ, ये जाहिर है वो दौर उस इस इन सारी चीजों की निशानदेही करता है। लेकिन ये कि अब हम खड़े हैं 2021 में और अब अभी तो एक मतलब एक कोरोना की वबा भी अभी सही तरह नहीं गुजरी और अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, तो अब हमें चाहिए कि अब हम यकीनन अपने माजी से सीखें और जितने माजी के सबक हैं उनसे सीखें। एक तो बिल्कुल हमारा ज़ियाउल हक का 11 साल का दौर एक बहुत बड़ा सबक है, मैं समझता हूं उससे पहले पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा सबक है, लेकिन अब जाहिर है हम माजी में तो जा नहीं सकते, हमने जाना है मुस्तकबिल में। आज पाकिस्तान इज अ रियलिटी, पाकिस्तान की मुख्त सोचें थी लोगों की कि किस रुख में इसको उभरना चाहिए, जिना साहब की शायद एक सोच थी, जनरल अयूब खान की शायद एक सोच थी, भुट्टो साहब की शायद एक सोच थी, ज़ियाउल हक की शायद एक सोच थी, लेकिन आज जो है अब हमने देखना चाहिए कि आज के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब क्या है। और मैं समझता हूं कि आज के पाकिस्तान के लिए सबसे मुनासिब ये है कि हम उस पुरानी इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन के माइंडसेट से निकल के और अपने आप को एक पाकिस्तान बर्रे सगीर का हिस्सा माने और अपने जो हमारे जो जो नेबर्स हैं उनके साथ ना सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात रखें बल्कि माशी वायदे हम साइन करें, जिस तरह एक यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है उसी तरह एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी एक ब्लॉक की शक्ल में आगे दुनिया में जो बढ़ना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल
अफगानिस्तान हर कोई मौजूद हो, क्योंकि मेरा ख्याल में और कोई चारा नहीं है। और ये बात मैं अक्सर दोहराता हूं कि अगर यूरोप, जहां पे वो हजार डेढ़ हजार साल तक एक दूसरे से ऐसी ऐसी जंगें उन्होंने लड़ी हैं, फिर पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, फ्रांस, बर्तानिया, पता नहीं क्या क्या, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान की तो जंगें कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा मुस्तकबिल होना चाहिए। लेकिन पैंडेमिक की आपने बात की थी अरीफ शुरू में और ये अभी भी ये है, तो इसमें जो इंडस्ट्री है उसको तो कितना नुकसान पहुंचा, फिर वो जो स्मॉल टाइम आर्टिस्ट हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और बजाते हैं और कहीं कहीं पर उनको डेली वेजेस पे काम मिलता है, उनके हवाले से आपकी क्या सोच है? देखिये, मैं तो वाकिफ हूँ, सारे दोस्त यार हैं अपने मुल्क भर में म्यूजिशियंस और उनके साथ रबते में मैं रहता हूँ। जाहिर है बहुत बुरे हालात है हमारे, जो खास तौर पे जो हमारे फोक म्यूजिशियंस हैं और हमारे सेशन म्यूजिशियंस हैं उनके सबसे बुरे हैं, क्योंकि फोक म्यूजिशियंस तो जाते थे मजारों पे, दरबारों पे हाजिरियां देते थे, या फिर कोई मेला होता था या कोई होता था या फिर कोई लोक विरसा या PNCA जैसे इदारे करते थे, तो वो डेढ़ साल से बिल्कुल रुका हुआ है। और बाकी जाहिर है शहर में भी जो म्यूजिशियंस हैं, सेशन म्यूजिशियंस हैं, कुछ काम जो स्टूडियो वर्क है वो जारी है, रिकॉर्डिंग्स का काम जारी है, कुछ लोग अपने घरों में थोड़ी बहुत महफिलें कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज म्यूजिशियंस के लिए बहुत एक मुश्किल वक्त है। और जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि जाहिर है इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड भी नहीं है। इस हवाले से कुछ मसलन जो सिंध कल्चर का जो इदारा है वो काफी मदद करता है अपने म्यूजिशियंस की, केपी का जो कल्चर का इदारा है वो काफी मदद करता है अपने म्यूजिशियंस की, लेकिन पंजाब में, बलूचिस्तान में काफी बुरे हालात हैं म्यूजिशियंस के। वेरी सैड। आपकी आवाज पावर टेबल्स तक भी पहुंचती होगी, आपका इतना ज्यादा क्लाउट है, तो अगर आपको एक पॉलिसी रिकमेंडेशन देनी हो कि म्यूजिक आर्टिस्ट के हालात जो है वो सुधर जाए, उनमें बेहतरी आए, तो वो क्या हो? देखिये, मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि मैं नहीं यकीन करता कि हर म्यूजिशियन को कोई वजीफा मिलना चाहिए, नहीं, हमें मेहनत कमानी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे जितने क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं और जो अच्छे एक पाए के फोक म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए यकीनन कोई वजीफा नुमा चीज होनी चाहिए, क्योंकि वो है ही, गिने चुने अगर आप उनको गिनेंगे तो मुश्किल से जो है कोई शायद 200-300 या ज्यादा से ज्यादा आप कर लें तो 400 लोग होंगे पूरे मुल्क में। मैं उनसे वाकिफ हूं, उससे ज्यादा नहीं है। हमारे जो मुख्तलिफ घराने हैं, पटियाला, शाम चौरासिया, पंजाब घराना, फिर मुख्तलिफ कराची के, फिर हमारे कुछ कव्वाल हैं, फिर हमारे फोक म्यूजिशियंस हैं जो कि ऐसे सांस बजाते हैं जो कि उनके अलावा किसी को अब आता ही नहीं है, वो भूल चुके हैं। बजाया जाता है केपी में, या गुरिंदो बजाया जाता है, सुरिंदो बजाया जाता है, सरोज बजाया जाता है, अलगोजा बजाया जाता है, इन लोगों को तो रियासत को चाहिए कि इनकी मदद करे, इसलिए क्योंकि दुनिया भर में जो क्लासिकल आर्ट्स होती है ना, उनको आप मार्केट या मंडी के कवानीन पे नहीं छोड़ सकते। यूरोप में भी जो होता है या बैले होता है या जो क्लासिकल उनकी उनके जो फिलहारमोनिक्स होते हैं, फिलहारमोनिका ऑर्केस्ट्रा होता है, उनको रियासत से, क्योंकि वो किसी पॉप म्यूजिक के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। बाकी जो हम जैसे हैं, हमारे लिए तो सिर्फ ये कि हमें चाहिए कि वो एक इकोसिस्टम बने, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वेन्यूज हो जहाँ पे म्यूजिक की इजाजत हो, NOCs का सिलसिला आसान किया जाए या उसको सिरे से काट दिया जाए। NOC का कोई ताल्लुक नहीं बनता आर्ट्स और कल्चर से। NOC का कानून जो है वो अंग्रेज ने लागू किया था जब यहाँ पे कॉलोनी थी अंग्रेजों की, इस चक्कर में कि यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन जो है आपस में मिलके उनके खिलाफ कोई डेमो शेमो ना निकाल सके। तो आज के में जो है वो NOC का कोई रुक ही नहीं बनता, और वो भी म्यूजिक और आर्ट्स की एक्टिविटीज के साथ। चले, अगर कोई जुलूस निकालना चाहता है तो आप NOC लेने वाले जाते हैं, लेकिन चाहते हैं तो उसका कोई इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो ये सिलसिला हटाएं और मेरा ख्याल में रास्ता हमवार करें और इंसेंटिव्स दें मार्केट में लोगों को कि वो फेस्टिवल्स करें, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करें, और फिर वहां पे म्यूजिशियंस खुद आके अपनी मेहनत से अपने पैसे कमा सकें। जबरदस्त जी, जबरदस्त। और आई होप कि आपकी आवाज पावर कॉरिडोर तक पहुंच रही होगी और पहुंचेगी, और आप खुद भी चेंज ला रहे हैं, खुद आप चेंज को जिसे कहते हैं ना अपनी मिसाल के जरिए क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे नॉलेज
कि आप हीरो हैं, आइकन हैं, आप इंस्पिरेशन हैं, तो उनको अपनी म्यूजिक के जरिए जो पैगाम आप देते हैं, मेरे ख्याल में तो वो पीस और हार्मनी का है। जिस तरह किसी शायर से बात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उससे दरख्वास्त ना की जाए कि अपना कलाम सुनाए, तो मैं बहुत डरते डरते आपसे कह रही हूँ कि आपको मैं खुदा हाफिज कहने से पहले, इस मुलाकात को खत्म करने से पहले, क्या मैं ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप सूफी शायरी से या अपनी पसंद का कोई भी कलाम थोड़ा सा हमें सुनाएं। और कितना शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, हमारे इतने छोटे से फोरम पे आप ने अपना वक्त दिया और अपनी गुफ्तगू से सबको इंस्पायर किया। अरीब अज़हर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शर्दा जी, और इसमें डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, मेरा कलाम इतना डरावना नहीं है। ये बाबा भुल्ले छोटा सा पेश करता हूँ। जे रब मिलदा तो फिर तो मैं और मेंढकों को पहले मिल जाता। जे रब मिलदा जंगल फिरिया ते मिलदा गाया बच्चियां नू। जे रब मिलदा मंदर मसीता मिलदा चिड़ी चमचिटिया अच्छियां असा इश्क नमाज जदोनी पिए 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 तो भूल गए मंदर मसीह दिए असा इश्क नमाज जगनी दिए मुल्ला छोड़ दे इल्म के ताबादा मुल्ला छोड़ दे इल्म के ताबादा ऐवे चुके आए बार असा ले गए तुम्हें
नजर इनायत की थी असा नमाज जदों की थी असा इश्क नमाज जदों की थी तदों भूल गए अंदर मसीह थी असा इश्क नमाज